जीवन और उसकी मृत्यु से संबंधित कथन को चाणक्य ने अत्यंत सरलता से स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि कौआ, कबूतर, चिड़िया, तोता ये सभी विभिन्न जाति और वर्ण के पक्षी होते हुए भी रात्रि के समय एक ही वृक्ष पर विश्राम करते हैं, लेकिन प्रातः होते ही अपने अपने मार्ग की ओर चले जाते हैं। जीवात्माएं भी इसी प्रकार परिवार रूपी वृक्ष पर कुछ समय के लिए बसेरा करती हैं, तदनंतर नियत समय आने पर वृक्ष को छोड़कर उड़ जाती हैं। इसलिए उनके जाने पर दुखी या शोक आतुर नहीं होना चाहिए। सृष्टि का यही नियम है और इस नियम से संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। इसे बदलना सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के लिए भी असंभव है।